साथियों, एक बार फिर से मैं जनसाव के पास आया हूँ और आज हम लोग चर्चा करेंगे शमशाबाद क्षेत्र में इस वर्ष आलू की अभी तक फसल कैसी है, क्या स्थितियाँ हैं। और बाकी इस समय करीब 1.5-2 महीने पहले बात हुई थी जनसाव से, तो उस समय उन्होंने कहा था दिसंबर में आलू का भाव अच्छा मिलेगा किसानों को। तो उस भाव के बारे में बातचीत करेंगे कि अभी का भाव क्या है और क्या स्थितियाँ रह जैन साहब, सकती हैं। पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा अपने क्षेत्र में इस वर्ष फसल का आकलन क्या है, किस तरह की फसल वगैरह है। इस बार हमारे क्षेत्र में पिछली बार जितनी क्रॉप लगी थी उतनी ही क्रॉप इस बार लगी है, कहीं से कोई कम नहीं दिखाई देती है, पूरा क्रॉप लगा हुआ है, क्रॉप अच्छा है अभी तक। तो अभी कंप्लीट हो गई अपने यहाँ बुवाई वाई के, अभी थोड़ा अभी बहुत एक हफ्ते की बुवाई और है। जो गोभी के खेत हाँ, हैं गोभी खेत है। जो लेट गोभी थी। हाँ, उसमें एक हफ्ते की बुवाई अभी बाकी है। बाकी अगर मैं बात करूं तो अपने यहाँ इस समय ज्यादातर कोल्ड वैसे तो नवंबर में बंद हो जाते हैं, करीब कितने कोल्ड होंगे जो अभी चल रहे होंगे। इस बार शमशाबाद बेल्ट में, पिछली साल तो शमशाबाद बेल्ट में 2 कोल्ड चले थे दिसंबर के महीने के लिए। अच्छा इस बार 7 कोल्डों की तो लिस्ट आ चुकी है कि जो चल रहे हैं, प्लांट चालू है। जी, बाकी कुछ अभी और 10-15 कोल्ड ऐसे हैं जिनमें आलू बचा हुआ है, वो 8 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो जो आलू अपने शमशाबाद क्षेत्र में बचा हुआ है उसमें बढ़िया आलू की करीब मात्रा कितनी होगी, BBIP की या BIP की बात करें उसकी मात्रा कितनी होगी, और बाकी आलू जो बचा है इसके अलावा वो किस किस श्रेणी में होगा। देखिए, हमारी बेल्ट में अभी जो एक नंबर की क्वालिटी है वो कम से कम 3 लाख पैकेट बचे हुए हैं, 3 लाख पैकेट एक नंबर क्वालिटी है। एक नंबर का। और B+ जो आलू है उसका मान के चलिए कम से कम 2 लाख पैकेट रेडी है। मैं अगर बढ़िया आलू की बात करूं, जो 3 लाख पैकेट का आप एक आइडिया दे रहे हैं, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि दिसंबर में ये सारा आलू निकल पाएगा 3 लाख पैकेट। देखिए, आलू तो ये बिक जाएगा, फिर अभी 800 रुपये कट्टे, 810 रुपये कट्टे पे ये पहुंच गया है। अब यहाँ से ऊपर जाना अभी संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास एक नंबर क्वालिटी है। जितना एक नंबर बेचने वाले इंडिया के अंदर है उनके लिए पूरा दिसंबर के लिए हमारे पास आलू है, जबकि 25 दिसंबर से हमको थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है क्योंकि इंदौर की क्वालिटी जब तक साउथ की मंडियों में पहुंच बना देंगी तो हमारे आलू पर वहां से फिर ब्रेक लग जाएगा। मतलब जब तक इंदौर नहीं आ रहा है तब तक हमारे पास समय है कि हमें 800, 850, 800 तक का रेट मिलता रहेगा। 800 रुपये कट्टे का रेट मिल जाए एक नंबर क्वालिटी का, जब तक इंदौर दस्तक नहीं दे रहा है हमको मिलता रहेगा। यहाँ से ऊपर जाने की जगह अभी बनती नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी इंदौर तैयार खड़ा है। अभी बीच में बरसात हो गई थी, अभी भी वहाँ आलू पक्का, मतलब थोड़ा बादल बादल देखे जा रहे हैं आजकल में, और निश्चित तौर पे 1-2 दिन में वहां पर मौसम साफ हो जाएगा और निश्चित तौर में 25 तारीख तक इंदौर पहुंच जाएगा साउथ की मंडियों में। तो ये हमारे आलू को रोकेगा क्योंकि वो आलू नया है और उसका रेट भी हमारी रेटों के अनुसार अनुपात में कम रहेगा, इसलिए हमको रोकेगा। हमारा अच्छा, उसका रेट कम रहेगा इंदौर वाले का। इंदौर वाले का रेट कम रहेगा हमारे आलू से, अच्छा। तो हमारे आलू को रोकेगा। एक चीज और, अपने यहाँ तो बहुत कम कोल्ड है जो दिसंबर और जनवरी में जाते हैं, लेकिन अगर इधर में सरसागंज की बात करूँ तो काफी सारे ऐसे कोल्ड हैं जो जनवरी तक चलते हैं, तो सिरसागंज से और शमशाबाद का कोई कंपटीशन रहेगा क्या आलू को लेकर इस समय दिसंबर में या जनवरी में। देखिए, हमें सिरसागंज से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, अच्छा, क्योंकि हमारी बेल्ट में जो आलू बचा है 3 से 2, वो कुछ एक मंडियां हैं ऑर्डर वाली, जैसे अच्छा। विजयवाड़ा है, गुंटूर है, थोड़ा आलू चेन्नई भी जाता है, और इधर कोल्हापुर है, ये कुछ मंडियां इस प्रकार की छोटी छोटी मंडियां हैं, इनमें हमारा आलू का डिमांड है जी। बाकी 70% आलू वहां भी 20 एड़ी का जा रहा है, वो दूसरी जगह से उठ के जा रहा है, आगरा से भी जा रहा है, टूडला से भी जा रहा है, सिकोआबाद से भी जा रहा है, सिरसागंज से भी जा रहा है, मैनपुरी से भी जा रहा है, और नया आलू ने अब हैदराबाद का नया आलू खुद के आ रहा है, वो भी पहुंचने लगा है 2 दिन से तमिलनाडु के लिए भी आलू गया है हैदराबाद का, और 2 दिन से इंदौर का भी आलू गया है। 25 तारीख तक निश्चित तौर पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमारी एक नंबर क्वालिटी, जो हमारे पास एक नंबर क्वालिटी है, उसको भी ये आलू रोकेगा 25 तक। 25 तक तो कुल मिला के हमारे पास समय है। हाँ है।
अच्छा ये बीच में थोड़ी सी बारिश हुई है पूरे देश भर में, जैसे अभी भी चक्रवाती तूफान वगैरह का असर थोड़ा बहुत है, तो इससे आलू के भाव पे कुछ असर पड़ा अभी इस बारिश से? जो पुराना आलू था उसका सेंटीमेंट तेज हो गया था, पहले से बरसात दिखाई दे रही थी तो सेंटीमेंट तेज हो गया, उस वजह से बाजार थोड़ा सा अप है। अच्छा, बाजार यहाँ पर अब चल रहा है, अब चल रहा है बाजार में सौदे, हमारी बेल्ट में 810 रुपए कट्टे तक के सौदे हुए हैं कल, ऊपर में, ऊपर में। और नीचे में सौदा ये मान के चलिए कि जो बी प्लस आलू था उसका पहले आलू का सौदा हो रहा था 550 रुपए कट्टे का, आज की तारीख में उस आलू का सौदा 675 रुपए कट्टे से 700 रुपए कट्टे का, 700 रुपए कट्टे का। और जो सी श्रेणी का आलू है वो पहले भी बिक रहा था 450 रुपए कट्टे, आज भी उसका 450 रुपए कट्टे ही है। सी वाले में तो कोई गुंजाइश मुझे लगता है होगी नहीं, वो थोड़ा बहुत ये सेंटीमेंट ऊपर हुआ उस वजह से थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है। साथियों, जैन साहब का आपने जो भी विचार थे वो जाने कि क्या स्थिति आलू के बाजार की समय है और कम से कम 25 तारीख तक क्या रह सकती है। 800 या 850 रुपए की बात करें या 810 रुपए के भाव की बात करें, जो जैन साहब बता रहे हैं कल सौदा हुआ है इनके यहाँ से, तो ये भाव जैन साहब ने आज से एक डेढ़ महीने पहले ही आप वीडियो देखे हो चैनल पर पढ़ा है, वहाँ पर बता दिया था कि दिसंबर में 850-850 तक आलू जा सकता है और वहाँ तक गया। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले मार्च में ही जैन साहब ने बताया था कि आलू यहाँ इन स्थितियों को पहुँच सकता है, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई मैं इसका एकदम से समय समय पर टाइमलाइन देता रहूँगा कब किस समय किस तरह का आलू जाएगा। और मार्च के बाद में लगातार मैं उनके साथ में आता रहा, मिलता रहा, और उन्होंने समय समय पर बताते रहे कि अब आलू कहाँ कैसे स्थिति में पहुँच सकता है, और वहाँ तक आलू गया अभी तो। अभी 25 तारीख तक के लिए उन्होंने कहा है कि 800 रुपये तक का आपको रेट मिलता रहेगा, 25 के बाद क्या स्थितियाँ बनेंगी, कोशिश रहेगी एक बार फिर से जैन साहब के साथ बैठने की 25 के बाद में क्या स्थितियाँ रहेंगी कैसे रहेंगी, उस समय उन सारी स्थितियों पर बातचीत करेंगे।